नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना फेवरेट काम शुरू हो गया है जी। शुरू क्या हो गया, पिछले 15 दिन से यही है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो इस वाले रूम में कलर हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसकी सेटिंग करते हैं। और भैया जो हैं कलर वाले, वो दूसरे रूम में लगे हुए थे। इससे पहले का जो पार्ट है वो इंदु नीरज की दुनिया पे मैंने डाला था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, सुबह मैंने डाला था। और यहाँ पे देखिए, और मैं जैसा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज 9 बजे के करीब मैं आऊंगी लाइव रात को इंदु नीरज की दुनिया पे। तो प्लीज याद रखिएगा, कभी आप लोग भूल जाएं, 9 या 9:30 बजे तक मैं आ जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि 9 बजे तक, लेकिन 9:30 तो पक्का है, लाइव आना है आज ही अभी। आज जो है संडे है ना, आज आज तो खैर चलिए जी। देखिए यहाँ पे मेरे मैंने लगा दिए, मतलब मैं ये खिसका रही अपना फेवरेट काम। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे से ना बेड सरक नहीं रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी हिम्मत कम होगी या बेडों में वजन ज्यादा हो गया। मेरे हिसाब से तो वजन ज्यादा है, क्योंकि कपड़े लत्ते सारे भरे पड़े ना बेडों में, बाहर रखने की जगह नहीं है, तो इस वजह से तो सरक नहीं रहे थे। तो मैंने इन्हें किया था उस साइड, इसका सिरहाना तो मैंने निकाल ही दिया है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। तो इस वीडियो की लेट जानकारी के लिए आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, और तो वो प्लीज देख लीजिएगा जाके, तो आपको आगे का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। कलर वाले भैया आए हुए हैं, और यहाँ पे बेड का सिरहाना मैंने निकाल दिया क्योंकि बहुत खराब हो रहा था, वो टूटा हुआ था। और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक तो उस पर धूल बहुत जमती थी, चलिए वो धूल को भी मैं छोड़ दूँ। बच्चों की आदत इतनी गंदी हो गई थी कि कुछ भी खाते पीते थे, गिलास बर्तन उसी के ऊपर, कुछ खाया पिया वैसे बाहर से कुछ लाए रैपर उसी के ऊपर। कहने के बावजूद भी मतलब ये होता था कि टीवी देख रहे या बैठे तो बस उसी के ही ऊपर। तो बस मैंने कहा नहीं भाई, ये इसके तो जाने का टाइम आ ही गया है, तो मैंने उसे निकाल के चलता कर दिया। मैंने कहा नया घर है, नई नई चीजें अब रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके निकाल लूंगी ना, तब जाके कहीं सामान निकलेगा। ये बेड भी ये चेंज करना है, और दीवान लेना है, एक दीवान लेना है बाहर ड्राइंग रूम के लिए, जहाँ पे सोफे डाल लूंगी मैं, वहां पे उसके साथ रखने के लिए मुझे एक दीवान भी लेना है। वो अभी मतलब धीरे धीरे सारे काम प्रोसेस में चल रहे हैं, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो काम काज बस शुरू हुआ है। अभी तो मिस्त्री जी का भी मतलब प्रॉपर नहीं हो पाया है काम, बहुत सारा काम मिस्त्री का भी रह रहा। कोशिश करती हूँ रोज के रोज की आज साफ हो जाए, कल साफ हो जाए, आज खत्म हो जाए काम, परसों कल खत्म हो जाए, पर वही है कि देखिए। और मैंने भी एक चीज नोटिस की कि अगर हम ज्यादा जल्दी जल्दी करवा के करेंगे ना, तो मिस्त्री भी फटाफट करके फिर भाग जाएंगे, मतलब वो सफाई से नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने भी सोचा, मैंने कहा चलो भाई लग रहे कोई बात नहीं, अपना फिनिशिंग के साथ तो करें, क्योंकि बार बार तो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये भैया ना खिड़की दरवाजों पे कलर कर रहे थे, और वो मेटल वाले हैं जो चौखटे हैं वो उसकी हैं लोहे की। तो बस मुझे अचानक से याद आ गया, तो मैंने इन भैया से ही पूछा जो पेंट वाले भैया थे। मैंने कहा भैया ये जो कलर आप खिड़की दरवाजों पे कर रहे हैं, ये अलमारी पे हो जाएगा क्या? तो ये कहने लगे हो जाएगा दीदी भाभी, या ये तो मैडम कहते हैं। हाँ तो बस फिर मैंने कहा चलो भैया ये कर देना। तो ये वाला ही जो ब्राउन कलर है, ये मैंने अपनी अलमारी पे करवाने के लिए बोल दिया, और ये भैया कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने इस अलमारी को पेंट किया था, तो बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि चलिए, क्योंकि चेंज तो अलमारी भी हमें करनी ही है, इसकी हालत खराब हो रखी है। तो मैंने कहा चलो ये जितने भी दिन है थोड़ी सी सही सी पोजीशन में रहे, थोड़ी सही सी मुद्रा में रहे, तो इसीलिए। तो बस फिर उस पे अलमारी पे एक भैया उधर अलमारी पे कलर करने लगे थे, और ये दूसरे भैया इस वाले कमरे की विंडो वगैरह पे कलर करने लगे थे। और यहाँ से ये जितने भी कपड़े वगैरह है, इधर से उस कमरे में, उधर से उस कमरे में, बस यही हमारा चलता रहता है। तो अभी इस वाले रूम की मुझे करनी है सफाई, बस ये भैया कलर कर ले, तब तक मैं फिर ये सामान उठा जी लूंगी यहाँ दोपहर का से। टाइम हो गया है, और इस वाले रूम में हमने बेड लगा दिया था इधर, और ये वाली अलमारी भी हमारी हो गई है पेंट। असल में इस पे ये कलर इसलिए हुआ क्योंकि जो ये है विंडो, ये भी इसी कलर की, ये भी बेड भी तकरीबन हमारा इसी कलर का है। सिरहाना मैंने बेड का हटा दिया क्योंकि वो हो रखा था बहुत खराब, जगह ही घेर रखी थी उसने, तो अब ये सिंपल बेड सा हो गया हमारा। और क्योंकि चेंज तो करना ही है बाद में, अभी तक ला रहे अभी इसके पास नहीं लगना तो फिर ठीक है। हाँ अभी पास नहीं लगना, ठीक लग रही है अलमारी, है ना। ये वाला रूम हो गया बेटे, ये दीवारों के ना लगे, रूई पैर ना लगा बाबू। और ये वाला रूम भी उन्होंने कर दिया है रेडी, छोटे मोटे से तो देखो छूट ही रहे हैं। ये वाली विंडो कंप्लीट कर दी है, दीवारें, बाथरूम का गेट कंप्लीट कर दिया। इस गेट के पीछे हाथ नहीं लगाना, इस गेट के बैक साइड उन्होंने कलर किया क्योंकि सामने से फिर हाथ लग जाएगा।
तो अब इस वाले बेड को मैं करती हूँ फटाफट से ठीक, क्योंकि बाहर से सामान उठाना आके फिर वो भैया हर करेंगे किचन में, जो किचन है ना वो करेंगे, और ये भी सामान उठाना क्योंकि ऊपर से जो पुट्टी वगैरह ये हो रही है ना साइडों में, ये क्या हो जो डिजाइन से बने रहे ये उतरवाने हैं सारे, जैसे किचन में से उतरवाया था ना उधर से, ये सारे उतरवाने, ये फूल से छोड़ने। तो बस अभी फटाफट से हम लोग इस रूम में लगते हैं और फिर बाहर का सामान मैं एडजस्ट करती हूँ रूम्स में। चलिए फिर लगते हैं जी। तो जी यहाँ पे देखिए, तब तक पीहू के डैडी भी आ गए थे दोपहर को, नहीं तो ये भी मुझे सरकाना पड़ता, बच्चे लगते बस फिर मेरे साथ और क्या, बच्चे भी काफी हेल्प कर रहे हैं अभी, बस जब इनका मन होता है करते ये तभी है, जब इनका मन नहीं होता तब नहीं करते ये। तो खैर देखिए, ये बेड मैं उस साइड कर रही थी क्योंकि मुझे ये था, मैं इनका बेड मैं एक साइड रखूं जिससे कि बाकी कमरे में मैं और सामान रख सकूं, क्योंकि अभी देखिए सारी चीजें रखने के लिए जगह होनी जरूरी है, वैसे तो जगह है, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, लेकिन बाहर की साइड में नहीं रख सकती सारा कुछ करके। तो ये बेड में एक साइड इधर लगा रही थी ताकि ये एक तरफ को हो जाए और फिर इधर दूसरी वाली साइड में सामान रख सकूं। हालांकि यहाँ पे एक बेड इनमें से मुझे एक दीवान बेड सा जो है ये मुझे बाहर डालना है जहाँ किचन के सामने, मैं बता भी रही थी आप लोगों को पहले भी, तो तब तक मैंने कहा चलो यहीं पर ही रखा रहता है। तो यहाँ पे बेड उस साइड कर दिया है हमने ये, और इस पे मैं बेडशीट डाल दूंगी, बेडशीट वगैरह भी मैं चेंज नहीं कर रही, मैंने कहा नहीं पड़ी रहने दो, धूल मिट्टी चढ़ेंगी बाद में, धोई तो कपड़े ही नहीं धोए जा रहे। और ये आगे स्टैचू, और जब मैं वीडियो उस पे इंदु नीरज कलेक्शन पे वीडियो डालती हूँ तो मैं इन्हें आंटी बोलती हूँ, असल में मैं ही आंटी नहीं इन्हें बोलती, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में बोलती हूँ, हम सारे ही, हम बड़े से छोटे लेके सारे ही, इवन मेरी मम्मी भी, हम सब इन्हें आंटी ही बोलते हैं। जब अब तो खैर दुकान पे है नहीं, वो डमी घर पे ही आ गई थी काफी पहले थी, तो उनको भी हम आंटी ही बुलाते थे, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को देख के या वीडियो में, तो हम मतलब और कुछ नहीं होता तो हम सब आंटी ही ने बोलते हैं छोटे से लेके। मैंने कहा ये जब हम लेके भी आए तो तब भी हमारा यही था, मैं इनको यही कह रही थी, मैंने कहा प्यू के डैडी आंटियां लेके आई हो तो उन्हें कपड़े पहना के फिर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो माल है ये प्यू के डैडी ने कुछ घर पे ला के रख रखा, और वीडियो वगैरह इनकी शूट करनी है सारा कुछ, तो बस अभी ये सामान भी इधर से उधर, और मैं इन्हें मना कर रही, मैंने कहा घर ना लेके आओ सामान, क्योंकि घर पहले ही बहुत फैला पड़ा इनकी वजह से और ज्यादा हो जाएगा। अब इन्होंने सामान मंगवा रखा काफी सारा, अब दुकान पे भी अभी इतना स्पेस नहीं है, तो ये धीरे 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 करके सामान सारा घर ही आ रहा, क्योंकि इसको बाद में हमें घर में ही मतलब रखना है अच्छी तरीके से, एक पूरा हॉल टाइप हमें बनाना है, ऊपर सोच रहे हम छत पे कि ऊपर एक रूम टाइप बना लेंगे जैसे भी, अभी तो कंफर्म नहीं कह सकते, या फिर इस वाले रूम में ही हम इसी तरीके का काम करेंगे, बस यही वाला जो है सारा, मतलब अभी मैं भी प्रॉपर नहीं बता सकती आप लोगों को कि क्या है, पर करना है तो उसके लिए तो देखिए एक रूम या जगह चाहिएगी ही चाहिएगी। तो खैर उस रूम में हमने बाहर से सारे कपड़े उठा के रख दिए, और ये देखिए फैला रहा है भगवान, मैं ये सोच रही, मैंने कहा वाकई में ये मेरा ही घर है, मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरे रहते थे, सारा कुछ होता था, मैं तो बीमार भी हो जाती थी तब भी मुझे साफ सफाई की टेंशन होती थी, मैंने कहा है और कुछ हो ना हो, खाना बने ना बने, कपड़े धुले ना धुले, बर्तन साफ हो ना हो, पर घर में कुछ भी सामान नहीं फैलना चाहिए, और अब ऐसा है कि मेरे घर में सामान ही सामान है, मैं थक गई समेटते समेटते किधर से हटाऊं किधर से नहीं हटाऊं। बस तो यहाँ पे देखिए बस यही होता है कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, और धूल तो खैर भगवान की दुआ से कम नहीं है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे फटाफट से ये बाहर का सामान जो है मैं इसे अंदर रखूंगी, यहाँ पे मैं लगाऊंगी म्यूजिक, क्योंकि मैं क्या क्या बताऊंगी, बस इतना ही बता रही कि बाहर से सारा सामान जो समेट के रखने का वो मैं अंदर रख रही। I'm not afraid to die.
तो जी जो कमरों का सामान था वो गया है अंदर, अब बारी आ गई है सोफों की। और सोफे बेचारे अपनी बहुत ही दयनीय अवस्था में है इस समय, कोई इनका भी प्रॉपर ठिकाना नहीं हो रहा। इतने तो ये बेचारे जब से मैंने खरीदे, या जब से मैंने मतलब क्या बताऊँ, मतलब जब से मैंने खरीदे तब से लेकर अब तक भी मैंने इन्हें इतना नहीं घुमाया होगा जितना ये बेचारे यहाँ 15 दिनों में घूम लिए। इनका आज ठिकाना यहाँ, कल को ठिकाना वहाँ। सोफे भी सोचते होंगे कि बढ़िया इसने घर बनवाया, इसने मेरी दुर्गति कर दी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सोफे है वही इधर उधर हो रहे हैं। जितना भी काम होता है तो मतलब आगे पीछे करने में वो हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे खैर देखिए, सोफों पे काफी सारा सामान रखा था उधर स्टोर में, कलर करा था ना, तो वहां से सामान उठाया था अंदर से, तो कपड़े लत्ते वही हैं, तो वही वाले मैं फिर वापस से अंदर रख के आ रही। बस यही होता है, इधर से उठा के उधर रख दिया, उधर से उठा के उधर रख दिया, और उधर से उठा के उधर रख दिया, यही काम चलता है बस सारा। उसके बाद देखिए जी, यहाँ पे ये होगी थी किचन की बारी आ गई थी कि किचन में करना है, तो बस अब मैं करने लगी थी किचन खाली अपना। खाली क्या मतलब, ऊपर ऊपर वाला जो सामान है वो सारा मुझे उठाना था। नीचे वाला तो इन्होंने, भैया ने मना कर दिया था कि नीचे का तो रहने दो जी, ऊपर वाला जो सामान है वो आप उठा लो, क्योंकि इनको छत पे किचन में वैसे तो कहीं कलर वगैरह नहीं होना, लेकिन बस जो छत है छत पे इनको पुट्टी और पेंट करना था, तो इस वजह से। और फिर पुट्टी करने के बाद उसकी वो होती है ना घिसाई सी करते हैं उसको, रेग मार से, तो वो उसकी वजह से। तो फिर ये मैंने किचन का सामान अपना उठा लिया था, और बस मैंने ये इसलिए उठा के फिर बाहर ही रख दिया। मैंने कहा जब किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही फिर मैं सामान रखूंगी। ये दोपहर का टाइम हो गया था यहाँ पे, और फिर अगले आज जैसे पुट्टी की इन्होंने, तो अगले दिन सूखेगी वो, उसके बाद फिर रेग मार लगेगा अगले दिन। तो मैंने कहा अब तो मैं रखती नहीं किचन का सामान अभी यहाँ पे, अब रखूंगी फिर उठाना पड़ेगा। तो जी यहाँ पे देखिए, बस ये भैया हर लग गए थे अपने किचन में, और मैं तो अपना, खैर मेरा ना ज्यादातर टाइम इसी में ही गुजरता है। कहने को कुछ नहीं काम होता, लेकिन इसी में ही सारा टाइम मेरा निकल जाता है। और आप लोग भी कह रहे थे, कोई कह भी रहे थे कि भले ही घर में काम लग रहा, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, काम भी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से रहा करो। भाई ऐसे में नहीं रहा जाता, मुझे तो एक एक मिनट ऐसे लगता है कि बस काम निपट जाए। सजना सवरना तो बाद में होता ही रहेगा, एक बार बस ये काम निपट जाए किसी भी तरीके से। उसके बाद तो मैंने सही में बताऊं खुद सोचा हुआ, मैंने कहा मैं अच्छी तरीके से रहा करूंगी, मेकअप कपड़े लत्ते जो भी है, जो अच्छे लगते हैं, जो पहन के सुंदर लगते हैं, या कुछ भी, मतलब अच्छी तरीके से जीना है। ये नहीं है कि भाई टेंशन लेके, घर की टेंशन थी एक ऊपर वाले ने वो भी दूर कर दी, तो अब क्या है, अब तो बस ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और अपना जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी करनी है, बाकी अपना जीवन भी अच्छी तरीके से जीना। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों का करना है वैसे कुछ है तो अपने आप मर मर के जिया जाए, क्योंकि मैंने मेरे पापा जी से ना एक सबक लिया है जब से मेरे पापा जी गए, कि मेरे पापा जी सारी उम्र बस काम 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 के ही पीछे रहे, कि पैसे नहीं खर्चे अपने ऊपर कभी भी, ना अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चे, ना अपने ऊपर खर्चे पहनने के लिए कि अच्छा पहन लूं या कुछ अच्छा खा पी लूं। और लास्ट टाइम पे वो बस काम काम करते ही चले गए, जितना कमाया उसे इस्तेमाल भी नहीं करके गए, इवन घर में काम लगा रखा था उस घर में रह भी नहीं पाए वो। तो बस मेरे ना दिमाग में वही एक चीज है कि नहीं, मेरे पापा जी भी बेचारे करते करते चले गए, अपने को वो नहीं करना, सब पीछे ही रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, किस लिए कर रहे, जब अपने आप भी हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने आप ही नहीं जीने के, इतना जिएंगे इतना इसी उसमें लगे रहेंगे कि ये कर लो वो कर लो, तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो प्लीज आप लोगों से भी जिनको माननी है रिक्वेस्ट है कि काम कीजिए, आप लोग भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए, सारा भी कीजिए, लेकिन उन सब के बीच में अपने जीवन को भी अच्छी तरीके से जिए, क्योंकि जीवन ना एक ही बार मिलता है, पता नहीं चले गए तो कहते हैं ना कि इतनी इतने जीवन लेने के बाद इंसानी जीवन मिलता है, तो पता नहीं उसके बाद कब को जाके फिर इंसान का जीवन मिलेगा। और पूरी उम्र रिग्रेट में रहने से अच्छा है कि आप अपना जीवन जियो, रिग्रेट की जगह ही ना छोड़ो अपने जीवन में। तो जी चलिए, खैर आज इसी ज्ञान के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं जल्दी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।